हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आईपीएल 2020 और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आईपीएल के 38वें मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब की टीमें आमने सामने होंगी और चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में जीत से पंजाब का मनोबल बढ़ा होगा, लेकिन अब उसे अंक तालिका में शीर्ष पर चल रही दिल्ली कैपिटल्स टीम से भिड़ना है। आईपीएल के सीजन में शुरुआत में बेहद करीबी मैच गंवाने के बाद पंजाब पिछले दो मैचों में जीत हासिल करने में कामयाब रही है। दूसरी ओर दिल्ली की टीम मौजूदा टूर्नामेंट में अब तक सबसे सफल टीम रही। पृथ्वी शॉ कुछ मैचों में खाता खोलने में नाकाम रहने के बाद बड़ी पारी खेलने को अब बेताब होंगे, जबकि शिखर धवन फॉर्म में वापसी कर चुके हैं। और चलिए अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं आज के इस मुकाबले में वो खास चेहरे जिन पर नजर रहने जा रही है, की प्लेयर्स यानी कि कौन कौन है, जरा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली कैपिटल्स टीम की, जिसमें शिखर धवन 168 मैच अब तक खेल चुके हैं, 4938 रन बना चुके हैं। वहीं दूसरा चेहरा श्रेयस अय्यर, जो कि 71 मैच खेल चुके हैं, 2002 रन श्रेयस अय्यर ने अब तक बनाए हैं। और साथ ही साथ दिल्ली कैपिटल्स से कगिसो रबाड़ा 27 मैच खेले हैं और 50 के लगभग विकेट अब तक ले चुके हैं और काफी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। वहीं अब जरा पंजाब की टीम की बात कर लेते हैं, कप्तान केएल राहुल सबसे पहले उनके बारे में, क्योंकि 76 मैच 2502 रन उन्होंने इस दौरान इन मैचों में बनाए हैं। वहीं क्रिस गेल हाल ही में उनको उतारा और उसके बाद 127 मैच उन्होंने खेले हैं, 4561 रन उन्होंने इन मैचों में बनाए हैं। वहीं मोहम्मद शमी की अगर बात करें तो 60 मैच अब तक खेले हैं, 54 विकेट उनके द्वारा ली गई हैं और अभी तक क्योंकि मोहम्मद शमी के ऊपर बहुत हद तक दारोमदार भी है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के जो बल्लेबाज हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करें और उनको कैसे रोका जाए, शिखर धवन हों चाहे श्रेयस अय्यर हों, इनको कैसे रोका जाए, ये पंजाब के गेंदबाजों की तरफ से क्या रणनीति आज के इस मैच में बनाई जाएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इन की प्लेयर्स पर ये जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और जब आज शाम का जब मैच होगा तो उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें होंगी, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर ज्यादा फोकस रहने जा रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब जरा आमना सामना भी देख लेते हैं, क्योंकि एक तरफ पंजाब की टीम है और दूसरी तरफ दिल्ली की टीम, जहां पर 25 मैच में पंजाब की टीम 11 मैच जीती है और साथ ही साथ दिल्ली की टीम 14 मैच और एक भी मैच अभी तक टाई नहीं हुआ है, यानी कि फुल फ्लैश जो है जीत हार का यहां पर तस्वीरें आपको दिखाई। लेकिन अब जरा पॉइंट टेबल पर भी एक नजर डाल लेते हैं, सीजन 2020 का ये पॉइंट टेबल, जिसमें सबसे ऊपर नाम आज के इस मुकाबले में होने वाली एक टीम यानी कि दिल्ली कैपिटल्स का है, जिसमें से 9 मैच उन्होंने खेले हैं, 7 में जीत दर्ज की है, 2 में हालांकि हार का सामना उनको करना पड़ा, लेकिन 14 अंक उनको इस वक्त अंक तालिका में 14 अंक लेकर सबसे ऊपर पायदान पर है। वो दूसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस हैं, जो कि 9 मैच खेल चुकी है और 6 में जीत हासिल कर चुकी है, जबकि 3 मैच में उनको हार का सामना करना पड़ा है, अंक तालिका में 12 अंक उनको मिले हैं, दूसरे पायदान पर वो इस वक्त हैं। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 9 मैच खेल चुकी है, 6 में जीत 3 में हार और अंक तालिका में 12 नंबर तीसरे पायदान पर वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स 9 मैच खेल चुकी है, 5 में जीत हासिल कर चुके हैं और 4 में हार उनको मिली है, अंक तालिका में 10 नंबर उनको मिले हैं। और जरा आगे आपको जरा तस्वीरें दिखाएं तो राजस्थान रॉयल्स, जो कि 10 मैच अब तक खेल चुकी है, 4 में जीत उनको मिली है, 6 में हार उनको झेलनी पड़ी है, वहीं अंक तालिका में उनके 8 नंबर हैं। वहीं जरा आगे बढ़ते हैं और अब आपको जरा दिखाते हैं तस्वीर सनराइजर्स हैदराबाद की, जो कि 9 मैच खेल चुकी है, 3 में उनको जीत मिली, 6 में हार, अंक तालिका में नंबर उनके 6,
और अब बात करते हैं किंग्स इलेवन पंजाब की, जो कि आज के इस मुकाबले के अंदर एक और टीम है। एक टीम जो कि पहले पायदान पर है और एक वो टीम जो निचले पायदान से एक अंक ऊपर है, यानी कि 9 मैच अब तक किंग्स इलेवन पंजाब खेल चुकी है। 3 में जीत उनको मिली है, 6 में हार का सामना उनको करना पड़ा है। अंक तालिका में 6 नंबर उनको मिले हैं, और वहीं इसके बाद जिस तरीके से तस्वीरें हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है, और पॉइंट टेबल के अंदर जिस तरीके से अभी तक की जो जानकारी है अंक तालिका में क्या क्या अभी तक नंबर्स हैं और ऊपर नीचे कौन हुआ है अभी तक, लेकिन अपनी पोजीशन बरकरार बनाए हुए है दिल्ली कैपिटल्स। और अब आपको जरा दिल्ली कैपिटल्स के वो संभावित प्लेइंग 11 के बारे में भी जानकारी साझा आपके साथ कर रहे हैं, जो कि आज शाम को आप इनको देख सकते हैं। कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर, जो कि लगातार कोशिश कर रहे हैं और अपनी टीम को आज उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया कि अंक तालिका में सबसे अव्वल नंबर पर उनकी ये टीम है। हालांकि अगर पिछले सीजन के मुकाबले अगर दिल्ली कैपिटल्स के देखें और परफॉर्मेंस के आधार पर अगर आकलन करें तो ज्यादा कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है दिल्ली कैपिटल्स का, लेकिन इस बार के इस मैच में, यानी कि ये जो सीजन रहा है आईपीएल का, बेहद हद तक ये दिल्ली कैपिटल्स के फेवर में रहा है। हालांकि खिलाड़ियों की तरफ से जो कोशिश थी वो मैदान पर नजर भी आई और उसका जो इम्पैक्ट रहा है वो दूसरी टीमों पर भी रहा। दूसरा नाम यहाँ पर पृथ्वी शॉ का हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि आज संभावित चेहरा है, जो कि आज शाम को आप देखेंगे। शिखर धवन तीसरा वो चेहरा, ऋषभ पंत, मार्क स्टोइनिस और शिमरोन हेटमेयर, अक्षर पटेल, तुषार देशपांडे, रविचंद्रन अश्विन और साथ ही एक और वो नाम कगिसो रबाडा, हेनरिच नॉर्ज, ये जो है ये वो चेहरे हैं, वो नाम है जो कि आज दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 11, यानी कि संभावित प्लेइंग 11 है, जिनको आप आज शाम के होने वाले मैच में देख पाएंगे। और चलिए एक टीम के बारे में आपने देख लिया, लेकिन जरा आप दूसरी टीम के बारे में भी आपको दिखाते हैं, यानी कि किंग्स 11 पंजाब के संभावित प्लेइंग 11 इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कप्तान केएल राहुल बहुत बेहतर तरीके से कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। मयंक अग्रवाल दूसरा वो नाम, क्रिस गेल, हालांकि हाल ही में उनको जो है मैच जो है उनको खिलवाए जा रहे हैं, हालांकि उससे पहले उनको स्टैंड बाय में रखा गया था, लेकिन उसके बाद जो है निकोलस पूरन, ग्लेन मैक्सवेल, दीपक हुड्डा, क्रिस जॉर्डन, मुरुगन अश्विन, रवि बिश्नोई और उसके बाद मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, ये निचले स्तर पर आप देख रहे हैं मोहम्मद शमी, यानी कि जिस तरीके से उनकी गेंदबाजी रही है बहुत हद तक कोशिश रहती है कि बल्लेबाजों को वो रोक सके, लेकिन ज्यादा उनका उतना बॉलिंग अगर देखें दूसरे और जो उनके साथ के खिलाड़ी हैं उतना प्रभाव नहीं डाल पाए हैं दूसरी टीम को रोक पाने में, क्योंकि बड़ा स्कोर उनके सामने बन जाता है। और चलिए अब जरा हमारे खेल संवाददाता स्पोर्ट डेस्क से कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमल का रुख कर लेते हैं। कमल जरा सबसे पहले आज के इस मैच पर दोनों ही टीमों के बारे में जरा जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। एक टीम वो जो कि अंक तालिका में सबसे ऊपर पर है, यानी कि पहले पायदान पर है, और एक वो टीम भी है जो कि निचले से दूसरे नंबर पर है, तो कैसे आज के इस मैच में दोनों टीमों की तुलना करें? देखिए दोनों टीमों की तुलना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन इस वक्त दिल्ली का रहा है उसे रोकना मुश्किल लग रहा है हर किसी टीम के लिए, सिर्फ पंजाब ही नहीं, लेकिन पंजाब को आप हल्के में नहीं नाप सकते, क्योंकि पिछले 2 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल किया और खासकर मुंबई इंडियंस को जिसे पिछले मुकाबले में हराया, 2 सुपर ओवर पंजाब ने खेले, यानी एक ही मैच में 2 सुपर ओवर खेलना और फिर टीम में को जिताना, कहीं ना कहीं ये मनोबल बढ़ाता है और अगर कहीं ना कहीं जीत हासिल करनी है पंजाब को तो अपने उस लय को बरकरार रखना होगा। लेकिन कमल अगर हम दिल्ली की अभी तक की परफॉर्मेंस देखें तो आपको नजर आता है कि आज के इस मैच में किसी हद तक चुनौती बन सकती है किंग्स इलेवन पंजाब? देख किंग्स इलेवन पंजाब चुनौती बन सकती है, हर टीम एक दूसरे के लिए चुनौती बन सकती है, लेकिन दिल्ली की टीम इस वक्त टॉप फॉर्म है, खासकर उनके बल्लेबाज इस तरीके से, शिखर धवन ने पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी की चेन्नई के खिलाफ शानदार शतक जड़ा था, लेकिन केएल राहुल की कप्तानी की तारीफ करनी होगी कि एक नीचे बैठी हुई टीम को जिस तरीके से वो धीरे धीरे उठा रहे हैं, और अगर आज का मुकाबला वो जीतती है तो प्ले ऑफ में की दौड़ में वो बनी रहेगी, लेकिन अगर हार जाते तो कहीं ना कहीं उनका भी जो सफर है वो यहीं पे थम जाएगा, तो पंजाब की टीम पलटवार कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, जिस तरह की गेंदबाजी मोहम्मद शमी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, दारोमदार उनके ऊपर है सामने वाले बल्लेबाजों को रोकने का,
क्रिस गेल के आने के बाद कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी है पंजाब की वो स्ट्रांग हुई होगी और जिसका फायदा पिछले दो मैचों में पंजाब को देखने को मिला। सवाल बस यही है कि क्या आप गेल को कहाँ पे बल्लेबाजी कराएंगे? अगर आप ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी कराते हैं सलामी बल्लेबाज के तौर पर तो आपको अग्रवाल को नीचे लाना होगा, क्योंकि गेल जब आते हैं तो गेंद पुरानी हो जाती है और कुछ ही गेंदें उन्हें मिलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऊपर के दो बल्लेबाज काफी हद तक मैच निकाल ले जाते हैं लेकिन जो आपका मेन बल्लेबाज होता है उसे बल्लेबाजी नहीं मिलती। ऐसे में जरूरी है कि क्रिस गेल को यहाँ पर सलामी बल्लेबाज के तौर पर राहुल अपने साथ लेकर आए। लेकिन अगर देखें हम केएल राहुल की अगर बल्लेबाजी देखें, उनकी परफॉर्मेंस देखें, तो कप्तान कितनी कोशिश कर ले, हमने अक्सर देखा इससे पीछे के मैचों में भी एफर्ट उनकी तरफ से किया जाता है, लेकिन पूरी टीम को आगे कैसे स्ट्रेच किया जाए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और खास करके गेंदबाज जो कि आप कुछ उतना ज्यादा बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ही गेंदबाज हैं जो कि काम कर रहे हैं, आप जो रन स्कोर है उसको रोकने में कुछ हद तक मददगार साबित होते हैं, लेकिन जो बाकी के और पूरा टीम का जो फॉर्मेट है आपको किस तरीके से उसमें सुधार की नजर आ रही है गुंजाइश, या कुछ आपको इसमें बदलाव की गुंजाइश भी नजर आती है कमल? इस वक्त के राहुल के लिए बना हुआ है वो है मैक्सवेल। मैक्सवेल जब आज से दो सीजन पहले पंजाब के साथ जुड़े थे तो बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, अपने दम पे टीम को फाइनल ले गए थे, लेकिन इस बार 10 करोड़ खर्च करके पंजाब की टीम ने मैक्सवेल को अपने टीम में लिया था लेकिन पूरी तरह से फ्लॉप हुए। सवाल यह है कि क्या मैक्सवेल को बाहर कर सकते हैं? बाहर भी आप नहीं कर सकते क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता किस गेम में वो तूफान मचा दे। गेंदबाजी एक कमजोर कड़ी यहाँ पर जरूर पंजाब की नजर आ रही है। सही बात है कि राहुल ऊपर से टीम को संभालते हैं लेकिन अकेला कप्तान या अकेला बल्लेबाज आपको मैच जिता सकता है, आपको टूर्नामेंट वो नहीं जिता सकता, तो दूसरे बल्लेबाजों को यहाँ लगातार प्रदर्शन करना होगा। खासकर गेंदबाजी में अर्षदीप बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। क्रिस जॉर्डन जिस तरीके से पिछले मुकाबले में खेले थे, बल्लेबाज के रूप में उनको खिलाया था लेकिन जो रनअप था उनका उसके कारण कहीं ना कहीं पंजाब को सुपर ओवर खेलना पड़ा। तो टीमों को और खिलाड़ियों को ये भी ध्यान रखना होगा कि आप अपनी टेक्निक्स ना भूलें, अगर आप अपनी टेक्निक भूलते हैं तो आप जीता हुआ मैच भी दूसरी टीम को गिफ्ट कर सकते हैं आज के इस मैच में, क्योंकि पंजाब के लिए तो ये जिंदगी और मौत का सवाल है कमल। तो क्या इसी नजरिए से हम देखें कि अगर आज के मैच में अगर नुकसान होता है या हार का सामना करना पड़ता है तो नुकसान जाहिर है? जी बिल्कुल नुकसान है शुभेंदु, आपके टूर्नामेंट से छुट्टी हो जाएगी। अगर आज पंजाब मैच हारती है तो उनकी टूर्नामेंट से छुट्टी हो जाएगी और उन्हें सिर्फ जीतना नहीं है, उन्हें एक बड़े अंतर से जीतना है क्योंकि जो दूसरी टीमें हैं राजस्थान रॉयल्स या हैदराबाद है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, उनका रन रेट कहीं ना कहीं पंजाब से बेहतर है। यही कारण है कि पंजाब दो मैच जीतने के बाद भी अंक तालिका में नंबर 7 पे है। तो राहुल को सिर्फ मैच जीतना नहीं है, एक बड़ी जीत चाहिए बड़े अंतर से। अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो आपको इतना बड़ा टारगेट देना चाहिए कि आपके बल्लेबाज आपके गेंदबाज विरोधी टीम को एक बड़े अंतर पर आउट कर पाए, और बाद में अगर आप बल्लेबाजी करते हैं तो आपको अपनी बल्लेबाजी को की रफ्तार को इस तरीके से बढ़ाना होगा कि आप। लेकिन ये कैसे होगा कमल, यही यही बड़ा सवाल है कि होगा कैसे, क्योंकि अभी तक गेंदबाजों को लेकर ही एक पंजाब के अंदर बड़ा ड्रॉबैक रहा है कि ज्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं चल पा रहे हैं। दूसरी टीम का जो रन रेट है, जो स्कोर वो खड़ा करते हैं, जो बल्लेबाजी वो करते हैं, उसको रोक पाने में उतना सक्षम नजर नहीं आते हैं। तो कुछ मोहम्मद शमी या दूसरे और गेंदबाज जो हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, नजर रहेगी? हाँ देखिए, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोहम्मद शमी के बाद मुजीब उर रहमान, शार्दुल कोटरेल की बन जाते हैं। शार्दुल कोटरेल वेस्ट इंडीज के जो अपनी टीम के नेशनल लेवल पर उन्होंने बहुत बेहतरीन किया है, कोटरेल के को यहाँ पे कहीं ना कहीं शमी के साथ आगे आके जिम्मेदारी निभानी होगी। कोशिश बिंदु यहाँ पे ये करनी होगी किसी भी तरीके से पंजाब चेज करे, अगर वो चेज करती है तो उनके पास मौका होगा एक बड़ी जीत हासिल करने का। आप देखिए क्रिस गेल है, दीपक हुड्डा है, खुद राहुल है, मयंक अग्रवाल है, क्रिस गेल और बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, मैक्सवेल जैसे बल्लेबाज हैं जो एक और मैच का पासा पलट सकते हैं। तो कोशिश ये होगी कि आप चेज करने की कोशिश करें, वही आपके लिए इस समय बेहतर है अगर आपको इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो। लेकिन अगर यहाँ पर अगर क्रिस गेल की बात करें तो शुरुआत से उनको एंट्री नहीं मिली, कुछ समय बाद यानी कि कुछ मैच खेलने के बाद उनको जो है टीम के अंदर एंट्री मिली, तो आपको लगता है कि अभी तक अगर शुरुआत से उनको खिलाते तो शायद वो अब तक रम जाते, अब तक वो अपना जो खेल जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं उस खेल में आ जाते? था कि आप 7 मैच हारने के बाद किसी बल्लेबाज को और इतने बड़े बल्लेबाज को जो आईपीएल में 6 शतक जड़ चुका है आप उन्हें डेस्क पे बिठा रहे हैं और डेस्क की शोभा बढ़ा रहे हैं। मयंक अग्रवाल नो डाउट की बहुत बेहतरीन फॉर्म में है लेकिन आप मयंक अग्रवाल को नीचे बल्लेबाजी के तौर पर भेज सकते थे, जहां आपने करुण नायर को इस्तेमाल किया, करुण नायर पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। सरफराज खान को आपने आजमाया वो नहीं यहाँ पे कुछ कर पाया, दीपक हुड्डा को आपने पिछले मुकाबले में उतारा वो नीचे खेले, तो कहीं ना कहीं क्रिस गेल को बाहर बिठाना ये सिरदर्दी
राहुल की बढ़ा गया, शायद राहुल को भी खुद भरोसा नहीं हो रहा होगा कि क्या रणनीति के कारण हमने क्रिस गेल को मैदान से बाहर रखा। देर से समझ आ रहा है, लेकिन अभी भी राहुल की जो टीम है या कोच अनिल कुंबले वो सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। आप क्रिस गेल को नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए भेज रहे हैं, बेहतर होगा आप उन्हें पहले ही गेंद से खेलने का मौका दे ताकि उन्हें ज्यादा गेंदे और ज्यादा समय उन्हें ग्राउंड पे बिताने का मिले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमल, इस पर आपने जानकारी साझा की, बहुत शुक्रिया। लेकिन श्रेयस की सेना वर्सेस राहुल के धुरंधर यहां पर आज के इस मैच में नजर आएंगे, और आज जीत से प्लेऑफ में दिल्ली होगी, क्या ऐसा हो पाएगा? और साथ ही साथ क्या किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से ये जो आज के इस मैच में जीत, जो कि उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो क्या वो जीत तक वो पहुंच पाएंगे, क्या जीत का स्वाद आज के मैच में भी वो चखेंगे? ये एक बड़ी चीज है, लेकिन टीम लगातार कोशिश कर रही है, एफर्ट लगातार उनके नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली की टीम की अगर बात करें तो पिछले सीजन जितने भी रहे हैं उनमें कुछ ज्यादा बेहतर नहीं कर पाई थी दिल्ली की टीम्स, लेकिन इस बार आईपीएल 2020 के अंदर जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और जो कोशिश उनके द्वारा अभी तक की गई है वो नजर आने लगी है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे 6 मिनट में 36 खबरें।